आपने स्वराचिष मन्वंतर का वृतांत मुझे विस्तार के साथ सुनाया, साथ ही मेरे प्रश्न के अनुसार 8 निधियों का भी वर्णन किया। संभव मन्वंतर का वर्णन तो पहले ही हो चुका है, अब उत्तम नामर तीसरे मन्वंतर की कथा सुनाइए। तो मार्कंडेय जी ने कहा, राजा उत्तानपाद के सुरुचि नाम से, सुरुचि के गर्भ से एक उत्तम नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो महान बलवान और पराक्रमी था। शत्रु और मित्र में तथा पुत्र और प्राय मनुष्य में उसका समान भाव था। वह धर्म का ज्ञाता था और दुष्टों के लिए यमराज के समान भयंकर एवं साधु पुरुषों के लिए चंद्रमा के समान आनंददायी था। राजकुमार उत्तम ने वभ्रू कुमारी बहुला के साथ विवाह किया था। वे सदा उसी में आसक्त रहते थे, उनका मन और किसी काम में नहीं लगता था। स्वप्न में भी उनका चित्त बहुला में ही लगा रहता था। वे सदा रानी की इच्छा के अनुसार ही चलते थे, तो भी वह कभी उनके अनुकूल नहीं होती थी। एक समय दूसरे दूसरे राजाओं के समक्ष ही रानी ने राजा की आज्ञा मानने से इनकार कर दिया। इससे उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। वे कुपित सर्प की भांति फुंकारते हुए द्वारपाल से बोले, दरबान, तू इस दुष्ट हृदय स्त्री को निर्जन वन में ले जाकर छोड़ दे, ये मेरी आज्ञा है। अतः तुझे इस पर कुछ सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं। तब राजा की आज्ञा को अविचारणीय मानकर द्वारपाल रानी को रथ पर बिठाकर वन में छोड़ा। राजा के द्वारा इसे इस प्रकार निर्जन वन में त्यागी जाने पर बहुला ने उनकी दृष्टि से दूर होने के कारण अपने ऊपर राजा का बहुत बड़ा अनुग्रह माना। उधर राजा अपने औरस पुत्रों की भांति प्रजा का पालन करते हुए समय व्यतीत करने लगा। एक दिन की बात है, कोई ब्राह्मण उनके दरबार में आया और अत्यंत दुखित चित्त होकर इस प्रकार कहने लगा। ब्राह्मण बोला, महाराज, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी बात सुनिए, क्योंकि राजा के सिवा और किसी से मनुष्यों की संकट से रक्षा नहीं हो सकती। रात को सोते समय मेरे घर पर दरवाजा खोले बिना ही कोई मेरी स्त्री को चुरा ले गया। आप उसे पता लगाकर ला कर देने की कृपा करें। राजन, हमारी आय और धर्म का छठा भाग आप वेतन के रूप में ग्रहण करते हैं, इसलिए आप ही हम लोगों के रक्षक हैं। आपसे रक्षित होने के कारण ही मनुष्य रात्रि में निश्चिंत होकर सोते हैं। तो राजा ने पूछा, ब्राह्मण, आपकी स्त्री शरीर से कैसी है? ये मैंने कभी नहीं देखा है, उसकी अवस्था क्या है ये भी आपको ही बतलानी होगी। साथ ही ये भी सूचित कीजिए कि आपकी ब्राह्मणी का स्वभाव कैसा है। तो ब्राह्मण बोला, राजन, मेरी स्त्री की दृष्टि से क्रूरता टपकती है। उसकी कद तो बहुत ऊंची है, किंतु बाहें छोटी हैं, मुंह दुबला पतला है, शरीर क्रूप है। ये मैं उसकी निंदा नहीं करता, ठीक ठीक हुलिया बतलाता हूं। उसकी बातें बड़ी कड़वी होती हैं तथा स्वभाव से भी वह कोमल नहीं है। उसकी पहली अवस्था कुछ कुछ बीत चुकी है। तो राजा ने कहा, ब्राह्मण, ऐसी स्त्री लेकर क्या करोगे? मैं तुम्हें दूसरी भार्या देता हूं। अच्छे स्वभाव की स्त्री ही कल्याण में एवं सुख देने वाली होती है। वैसी स्त्री तो केवल दुख का ही कारण है। रूप और शील दोनों से हीन होने के कारण वह स्त्री त्याग देने योग्य है। तो ब्राह्मण बोला, राजन, अपनी पत्नी की रक्षा करनी चाहिए, यह श्रुति का उत्तम आदेश है। उसकी रक्षा ना करने पर उससे वरण संकर की उत्पत्ति होती है। वरण संकर अपने पितरों को स्वर्ग से नीचे गिरा देता है। पत्नी ना होने के कारण मेरे नित्य कर्म छूट रहे हैं, इससे प्रतिदिन धर्म में बाधा आती है, जिसके कारण मेरा पतन अवश्यंभावी है। उसके गर्भ से जो मेरी संतति होगी वह धर्म का पालन करने वाली होगी। प्रभु, इस प्रकार मैंने अपनी पत्नी का वृतांत आपके सामने निवेदन किया, आप उसे लाइए, क्योंकि आप ही प्रजा के रक्षक के अधिकारी हैं। ब्राह्मण की ऐसी बात सुनकर और उस पर भली भांति विचार करके राजा उत्तम सब सामग्रियों से युक्त अपने विशाल रथ पर आरूढ़ हुए
और पृथ्वी पर इधर उधर घूमने लगे। एक दिन एक बहुत बड़े वन में किसी तपस्वी का उन्होंने आश्रम दिखाई दिया। तब रथ से उतरकर वे उस आश्रम में गए। वहां उन्हें एक मुनि का दर्शन हुआ जो कुशासन पर विराजमान थे और अपने तेज से अग्नि की भांति प्रज्वलित हो रही थी। राजा को आया देखकर मुनि शीघ्रतापूर्वक उठकर खड़े हो गए और स्वागत पूर्वक उनका सम्मान करते हुए शिष्य से बोले, अर्थ ले आओ। शिष्य ने धीरे से कहा, मुनि क्या इन्हें अर्थ देना उचित है? इस बात का भलीभांति विचार करके जैसी आज्ञा दे उसका पालन करूं। तब मुनि ने राजा के वृतांत को ध्यान द्वारा जानकर केवल आसन देकर बातचीत के द्वारा उनका सत्कार किया। ऋषि ने पूछा, राजन मैं जानता हूं आप महाराज उत्तानपाद के पुत्र उत्तम हैं, बताइए किस लिए यहां आए हैं? इस वन में कौन सा कार्य सिद्ध करने का विचार है? तो राजा ने कहा, मुने एक ब्राह्मण के घर से किसी अपरिचित व्यक्ति ने उसकी स्त्री को चुरा लिया है, उसी की खोज करने के लिए मैं यहां आया हूं। इस समय आपसे एक बात पूछता हूं, कृपा करके बताइए। अब मैं आपके आश्रम पर आया तो प्रथम दृष्टि पड़ते ही आपने मुझे अर्ध देने का विचार किया, किंतु फिर उसे रोक क्यों दिया? तो ऋषि बोले, राजन आपको देखकर मैंने जल्दी में अर्ध देने की आज्ञा प्रदान की थी, किंतु इस शिष्य ने मुझे सावधान किया। मेरे प्रसाद से ये भी मेरी ही भांति संसार के भूत भविष्य और वर्तमान का हाल जानता है। इसने कहा, विचार कर आज्ञा दीजिए, तब मैंने भी आपका वृतांत जान लिया, इसलिए आपको विधि पूर्वक अर्ध नहीं दिया। राजा ने इसमें संदेह ने कि आप शंभु मनु के वंश में उत्पन्न होने के कारण अर्ध पाने के अधिकारी हैं, तथापि हम लोग आपको अर्ध का उत्तम पात्र नहीं मानते। तो राजा ने पूछा, ब्राह्मण मैंने जानकार या अनजाने में ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे बहुत दिनों के पश्चात आने पर भी मैं आपसे अर्ध पाने का अधिकारी नहीं रहा? तो ऋषि बोले, राजन क्या आप इस बात को भूल गए कि आपने अपनी पत्नी का वन में प्रत्याग किया है और उसके साथ ही आप धर्म को भी छोड़ बैठे हैं? एक पक्ष तक भी नित्य कर्म छोड़ देने से मनुष्य अस्पृश्य हो जाता है, फिर आपने तो एक वर्ष से उसको छोड़ रखा है, अतः आपके विषय में क्या कहना है? नरेश्वर पति का स्वभाव कैसा ही हो, पत्नी को उचित है कि वह सदा पति के अनुकूल रहे। इसी प्रकार पति का भी कर्तव्य है कि वह दुष्ट स्वभाव वाली पत्नी का भी पालन पोषण करे। ब्राह्मण की यह पत्नी जिसका अपहरण हुआ है सदा पति के प्रतिकूल ही चलती है, तथापि धर्म पालन की इच्छा से वह आपके पास गया और पत्नी को खोजने के लिए प्रेरित करता रहा। आप तो धर्म से विचलित हुए, दूसरे मनुष्यों को धर्म में लगाते हैं, फिर जब आप स्वयं ही विचलित होंगे तब आपको कौन धर्म से लगाएगा? तो मार्कंडेय जी कहते हैं, मुनि के ये कहने पर राजा लज्जित हो गए। आपका कहना ठीक है, ये कहकर उन्होंने ब्राह्मण की पत्नी के विषय में पूछा, भगवान आप भूत और भविष्य के यथार्थ ज्ञाता हैं, बताइए ब्राह्मण की पत्नी को कौन ले गया है? तो ऋषि बोले, राजन अद्री के पुत्र बलाक नाम के राक्षस ने उसका अपहरण किया है। उत्प्लावत वन में जाने पर आप उस ब्राह्मण की पत्नी को देख सकेंगे। जाइए शीघ्र उस श्रेष्ठ ब्राह्मण के का पत्नी से संयोग कराइए, जिससे आपकी तरह उसे भी दिनों दिन पाप का भागिनी होना पड़े। तंतर उन महामुनि को प्रणाम करके राजा उत्तम पुनः अपने रथ पर आरूढ़ हुए और उनके बताए हुए उत्प्लावत वन में गए। वहां उन्होंने ब्राह्मण की पत्नी को देखा, उसका स्वरूप ठीक वैसा ही था जैसा कि ब्राह्मण ने बतलाया था, वह श्रीफल खा रही थी। राजा ने उससे पूछा, भद्रे तुम इस वन में कैसे आई हो, यह बातें स्पष्ट रूप से बताओ। जान पड़ता है तुम विशाल के पुत्र सुशर्मा की स्त्री हो।
तो ब्राह्मणी ने कहा, मैं वनवासी ब्राह्मण अति रात्र की पुत्री हूँ और विशाल के पुत्र की, जिसका नाम अभी अभी आपने बताया है, उनकी पत्नी हूँ। मुझे दुरात्मा राक्षस ब्लाक यहाँ हर लाया है। मैं घर के भीतर सो रही थी, उस समय इसने मेरा अपने भ्राता और माता से वियोग कराया। मैं यहाँ बहुत दुख से रहती हूँ। उसने मुझे इस अत्यंत गहन वन में छोड़ रखा है, ना तो मेरा उपभोग करता है, ना मुझे खा ही डालता है। इसका कुछ कारण समझ में नहीं आता। तो राजा बोले, ब्राह्मण कुमारी, क्या तुम्हें मालूम है कि वह राक्षस तुमको यहां छोड़कर कहां गया है? मुझे तुम्हारे पति ने ही यहां भेजा है। तो ब्राह्मणी ने कहा, वह निशाचर इसी वन के भीतर रहता है, यदि आपको उससे भय नहीं हो तो इसमें प्रवेश करके दिखाइए। तंत्र राजा ने ब्राह्मणी के दिखाए हुए मार्ग से उस वन के भीतर प्रवेश किया और उस राक्षस को परिवार के साथ बैठे देखा। राजा को देखते ही राक्षस ने दूर से ही पृथ्वी पर मस्तक टेक दिया और उसके निकट गया। राक्षस बोला, राजन, आपने मेरे घर पर पधार कर मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है। मैं आपके राज्य में निवास करता हूं, तब बताइए आपका कौन सा कार्य सिद्ध करूं। आप ये अर्ध स्वीकार कीजिए और इस आसन पर बैठिए। तो राजा ने कहा, निशाचर, तुमने मेरा सब काम कर दिया, सब प्रकार से मेरा आतिथ्य सत्कार हो गया। अब बताओ, तुम ब्राह्मण की स्त्री को क्यों उठा कर लाए हो? यदि कहीं तुम उसे अपनी भार्या बनाने के लिए लाए हो तो यह ठीक नहीं जान पड़ता, क्योंकि वह सुंदरी नहीं है। तुम्हारे घर में दूसरी स्त्रियां भी हैं ही। यदि उसे अपना भक्ष बनाने का विचार रहा हो तो आज तक तुमने उसे खाया क्यों नहीं? इसका कारण बताओ। तो राजा बोला, राक्षस कहने लगा, राजन, हम लोग मनुष्य को नहीं खाते हैं, मनुष्य भक्षी राक्षस दूसरे ही हैं। हम तो पुण्य का फल ही खाया करते हैं। इसके सिवा यदि कोई स्त्री या पुरुष हमारा आदर या अनादर कर दे तो हम उसके अच्छे बुरे स्वभाव को भी खा जाते हैं। यदि मनुष्य के क्षमा स्वभाव को हम खा लें तो वे क्रोधी बन जाते हैं, और दुस्वभाव को भक्षण कर लें तो वे उत्तम गुणों से संपन्न हो जाते हैं। महाराज, मेरे घर में अनेक युवती स्त्रियां हैं जो रूप में अप्सराओं की समानता करने वाली हैं। उनके रहते हुए मनुष्य की स्त्रियों से मेरा अनुराग कैसे हो सकता है? तो राजा ने कहा, निशाचर, यदि ये ब्राह्मणी ना तो तुम्हारे उपभोग के काम की है, ना आहार की है, तो ब्राह्मण के घर में प्रवेश करके तुमने इसका अपहरण क्यों किया? तो राक्षस बोला, राजन, वह श्रेष्ठ ब्राह्मण वेद मंत्रों का ज्ञाता है। मैं जिस किसी यज्ञ में जाता हूं, रक्षोघ्न मंत्रों का पाठ करके वह मुझे दूर भगा देता है। मंत्रों द्वारा उसके उच्चाटन करने से हम लोग भूखे रह जाते हैं, ऐसी दिशा में हम कहां जाएं? प्रायः सभी यज्ञों में यह ऋत्विक बना करता है, इसलिए हमने उसके सामने ये विघ्न खड़ा कर दिया है, क्योंकि कोई भी पुरुष पत्नी के बिना यज्ञ कर्म करने के योग्य नहीं रहता। राजन, मैं आपका विनीत सेवक हूं, आपके राज्य की प्रजा हूं, अतः आप अपने किसी कार्य के लिए आज्ञा देकर मुझ पर कृपा कीजिए। तो राजा ने कहा, राक्षस, तुम पहले कह चुके हो कि हम मनुष्य के स्वभाव को खा जाते हैं, अतः हम तुमसे जो काम करवाना चाहते हैं उसे सुनो। तुम इस ब्राह्मण की दुष्टता को भक्षण कर लो, जिससे यह विनयशील हो जाए। इसके बाद इसे इसके घर में पहुंचाओ। इतना कर देने पर मैं समझूंगा कि तुमने अपने घर पर आए हुए मुझ अतिथि का संपूर्ण मनोरथ पूर्ण कर दिया। राजा के ये कहने पर वह राक्षस अपनी माया से ब्राह्मणी के शरीर में प्रवेश कर गया और अपनी शक्ति से उसके दुष्ट स्वभाव को खा गया। फिर तो ब्राह्मण की पत्नी भयंकर दुष्टता से मुक्त हो गई और राजा से बोली, महाराज, मुझे अपने ही कर्म के फल से अपने महात्मा स्वामी से विलग होना पड़ा है। ये निशाचर तो उसमें निमित्त मात्र बना है,
ना इसका दोष है, ना मेरे महात्मा पति का दोष है, सब दोष मेरे ही, क्योंकि मनुष्य को अपने ही करने का फल भोगना पड़ता है। पूर्व जन्म में मैंने किसी का वियोग कराया होगा, वे आज मुझ पर भी आ पड़ा है, इसमें दूसरों का क्या दोष है। तो राक्षस बोला, राजन आपकी आज्ञा के अनुसार मैं इस ब्राह्मणी को इसके स्वामी के घर पहुंचाता हूं, इसके सिवा और भी यदि मेरे योग्य कोई कार्य हो तो उसके लिए भी आज्ञा दीजिए। तो राजा ने कहा, निशाचर ये कार्य हो जाने पर मैं समझूंगा कि तुमने मेरा सारा कार्य सिद्ध कर दिया। वीर यदि किसी कार्य के समय मैं तुम्हारा स्मरण करूं तो तुम मेरे पास आ जाना। बहुत अच्छा कहकर राक्षस ने उस ब्राह्मण पत्नी को, जो दुष्टता दूर हो जाने से अब अच्छे स्वभाव की हो गई थी, ले जाकर उसके पति के घर में पहुंचा दिया। राजा भी उसे भेजकर मन ही मन इस प्रकार चिंता करने लगे, अब मैं अपने विषय में क्या करूं, क्या करने से मेरा भला होगा। महामना महर्षि ने मुझे अर्ध के अयोग्य बतलाया है, ये तो मेरे लिए बड़े कष्ट की बात है, अब मैं क्या करूं। पत्नी को तो मैंने त्याग दिया, अब उसका पता कैसे लगे, अथवा उन ज्ञान चक्षु महर्षियों से ही चलकर पूछूं। ये विचार करके राजा फिर रथ पर आरूढ़ हुए और उस स्थान पर गए जहां वे त्रिकालवेता धर्मात्मा महामुनि रहते थे। रथ से उतरकर उन्होंने मुनि के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और राक्षस से मिलने, ब्राह्मणी के दिखाई देने तथा उसकी दुष्टता के दूर होने आदि का सब वृतांत ठीक ठीक कह सुनाया। ऋषि ने कहा, राजन तुमने जो कुछ किया है वह सब मुझे पहले से ही मालूम हो चुका है। मेरे पास तुम जिस कार्य से आए हो वह भी मुझसे छिपा नहीं है। मनुष्यों के लिए पत्नी धर्म अर्थ एवं काम की सिद्धि का कारण है, तुमने उसका त्याग करके विशेषता धर्म को ही त्याग दिया है। राजन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अथवा शूद्र कोई भी क्यों ना हो, पत्नी के ना होने पर वह अपने कर्म अनुष्ठान के योग्य नहीं रहता। तुमने अपनी पत्नी का परित्याग करके अच्छा नहीं किया। जैसे स्त्रियों के लिए पति का त्याग अनुचित है, उसी प्रकार पुरुषों के लिए स्त्री का त्याग भी उचित नहीं है। तो राजा बोले, भगवान क्या करूं, ये सब मेरे कर्मों का फल है। मैं सदा पत्नी के अनुकूल ही चलता था, फिर भी वह मेरे अनुकूल नहीं हुई, इसलिए मैंने उसे त्याग दिया। उसके वियोग की पीड़ा से मेरी अंतरात्मा व्यथित हो रही है। मैंने उसे वन में छोड़ा था, पता नहीं वह कहाँ चली गई, अथवा उसे वन में सिंह व्याघ्र या निशाचरों ने तो नहीं खा लिया। तो ऋषि ने कहा, राजन उसे सिंह व्याघ्र या निशाचरों ने नहीं खाया है, वह इस समय रसातल में है, उसका चरित्र अभी तक नष्ट नहीं हुआ है। तो राजा बोले, ब्राह्मण ये तो बड़ी अद्भुत बात है, उसे पाताल में कौन ले गया और वह अब तक दूषित कैसे नहीं हुई, ये सब यथार्थ रूप से बतलाने की कृपा करें। तो ऋषि ने कहा, पाताल में नागराज कपोत एक विख्यात पुरुष हैं, एक दिन उन्होंने तुम्हारी त्यागी हुई सुंदरी पत्नी को महान वन के भीतर भटकते हुए देखा, उसका सारा हाल जानकर वे उस पर आसक्त हो गए और उसे पाताल लोक में ले गए। नागराज कपोत के नंदा नाम की एक पुत्री तथा मनोरमा नाम की स्त्री है। नंदा ने बहुला को देखकर सोचा, हो ना हो ये मेरी माता की सोत बनने वाली है। ये विचार करके वह उसे अपने घर में ले गई और अंतःपुर में छिपा कर रख दिया। कपोत ने जब जब नंदा से बहुला को मांगा, तब तब उसने उसको कोई उत्तर नहीं दिया। तब पिता ने उसे शाप दे दिया, जा तो गूंगी हो जाएगी। इस प्रकार शापग्रस्त होकर नंदा उसके साथ रहती है। नागराज उसे ले गए और उसकी कन्या ने उसे अपने संरक्षक में रख लिया। तो राजा बोले, महामुने मुझे तो बहुला प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है, किंतु वह मेरे प्रति सदा दुष्टता का ही वर्ताव करती है, इसका क्या कारण है। तो ऋषि ने कहा, पाणी ग्रहण के समय सूर्य मंगल और शनिचर की तुम्हारे ऊपर तथा शुक्र और बृहस्पति की तुम्हारी पत्नी के ऊपर दृष्टि थी। उस मुहूर्त से उस पर चंद्रमा और बुध भी
जो परस्पर शत्रु भाव रखने वाले हैं अनुकूल थे और तुम्हारे ऊपर प्रतिकूल, इसलिए तुम्हें पत्नी की प्रतिकूलता का विशेष कष्ट सहना पड़ता है। अच्छा, अब जाओ, धर्मपूर्वक वृत्ति का पालन करो और पत्नी के साथ रहकर संपूर्ण धार्मिक क्रियाओं का अनुष्ठान करो। तो मार्कंडे जी कहते हैं, महर्षि के ये कहने पर राजा उन्हें प्रणाम करके रथ पर आरूढ़ हुए और अपने नगर को लौट आए। वहां आने पर उन्होंने उस ब्राह्मण को देखा जो अपनी शीलवती भार्या के साथ बहुत प्रसन्न था। ब्राह्मण ने कहा, नृपश्रेष्ठ, आप धर्म के ज्ञाता हैं, आपने मेरी पत्नी को लाकर मेरे धर्म की रक्षा की है, इसे मैं कृतार्थ हो गया। राजा बोले, द्विश्रेष्ठ, आप तो अपने कर्म का पालन करके कृतार्थ हो रहे हैं, किंतु मैं संकट में पड़ा हूं क्योंकि मेरी पत्नी घर में नहीं है। तब ब्राह्मण ने कहा, महाराज, यदि आपकी पत्नी जीवित है और व्याभिचारिणी नहीं हुई है तो आप स्त्री के बिना रहकर पाप क्यों कमा रहे हैं? तो राजा बोले, ब्राह्मण, यदि मैं पत्नी को लाऊं तो भी वह सदा मेरे प्रतिकूल रहती है, अतः उससे दुख ही मिलेगा, सुख नहीं, क्योंकि वह मुझसे मैत्री नहीं रखती। आप कोई ऐसा यत्न करें जिससे वह मेरे अधीन हो जाए। तो ब्राह्मण ने कहा, राजन, आपके प्रति रानी का प्रेम होने के लिए श्रेष्ठ यज्ञ करना उपकारक होगा। आप मित्र की कामना रखने वाले लोग जिसका अनुष्ठान किया करते हैं, वह मित्र विंदा नामक यज्ञ मैं प्रारंभ करता हूं। राजन, जिन स्त्री पुरुष में परस्पर प्रेम ना हो उनमें मित्र विंदा प्रेम उत्पन्न करती है, इसलिए आपके कार्य की सिद्धि के उद्देश्य से मैं उसी का अनुष्ठान करूंगा। ब्राह्मण के ये कहने पर राजा ने यज्ञ की सब सामग्री एकत्रित कराई और उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने मित्रविंदा यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया। उसने राजा की स्त्री में प्रेम उत्पन्न करने के लिए एक एक करके 7 यज्ञ किए। जब उसे यह निश्चय हो गया कि रानी के हृदय में राजा के प्रति मित्र भाव जागृत हो गया है, तब उसने राजा से कहा, महाराज, अब आप अपनी प्रिय पत्नी को अपने साथ रखिए और उसके साथ उत्तम भोग भोगते हुए श्रद्धापूर्वक यज्ञों का अनुष्ठान कीजिए। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने उन महाप्रकर्मी सत्य प्रतिज्ञ निशाचर को स्मरण किया। उसके स्मरण करते ही वह राक्षस राजा के पास आ पहुंचा और प्रणाम करके बोला, क्या आज्ञा है? तब राजा ने विस्तार के साथ अपना सारा वृतांत निवेदन किया। फिर वह राक्षस पाताल में जाकर रानी को ले आया। आने पर उसने हृदय हार्दिक अनुराग के साथ पति को देखा और बड़ी प्रसन्नता के साथ बारंबार कहा, मुझ पर प्रसन्न होइए। तब राजा ने अपनी माननीय स्त्री को हृदय से लगाकर कहा, प्रिय, तुम बार बार मुझसे ऐसा क्यों कहती हो? मैं तो तुम पर प्रसन्न नहीं हूं। तो रानी बोली, महाराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं आपसे एक याचना चाहती हूं, आप उसे पूर्ण करके मेरा आदर कीजिए। तो राजा ने कहा, प्रिय, मुझे जो कुछ भी अभीष्ट होगा वह निशंक होकर कहो, तुम्हारे लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है, मैं तुम्हारे अधीन हूं। तो रानी बोली, नाथ, मेरे लिए नागराज ने मेरी सखी को शाप दे दिया जिससे वह गूंगी हो गई। यदि आप मेरे प्रेमवश उसके संकट का निवारण कर सकें तो उनकी मुक्तता दूर करने के लिए प्रयत्न कीजिए। यदि ऐसा हो गया तो मैं समझूंगी मेरा सब कार्य सिद्ध हो गया। तब राजा ने उस ब्राह्मण को बुलाकर पूछा, विप्रवर, इसमें कैसी क्रिया होनी चाहिए, तो उसकी मुक्तता दूर कैसे हो सकती है? तो ब्राह्मण बोले, राजन, मैं आपके कहने से सारस्ती इष्टि करूंगा जिससे आपकी वे महारानी अपनी सखी की वाक शक्ति को कार्यक्षम बनाकर उसके ऋण से उऋण हो जाए। तदंतर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने सारस्वती इष्टि आरंभ की। उसने नंदा की मुक्तता दूर करने के लिए एकाग्रचित होकर सारस्वत सूक्तों का जप किया। इससे वह नागकन्या बोलने लगी। उन दिनों गर्ग मुनि रसातल में रहा करते थे। उन्होंने नंदा को बताया, तुम्हारी सखी बहुला के पति ने ये अत्यंत दुष्कर उपकार किया है। ये बात जानकर शीघ्रगामिनी नंदा राजा के नगर में आई और अपनी सखी महारानी बहुला को छाती से लगाकर तथा राजा की भी बारंबार प्रशंसा करके आसन पर बैठकर मधुर वाणी में बोली, वीर,
आपने इस समय मेरा जो उपकार किया है इससे मेरा हृदय आकृष्ट हो गया है, अतः मैं जो कहती हूं उसे सुनो। राजन, तुम्हें एक महापराक्रमी पुत्र होगा और इस पृथ्वी पर उसका अखंड राज्य रहेगा। वह सब शास्त्रों का ज्ञाता, धर्मपरायण, बुद्धिमान एवं मनवंतर का स्वामी मनु होगा। राजा को इस प्रकार वर देकर राज नागराज कन्या नंदा अपने सखी को हृदय से लगाकर पाताल लोक को चली गई। तंत्र रानी के साथ विहार एवं प्रजा पालन करते हुए राजा उत्तम के कितने ही वर्ष व्यतीत हो गए। फिर महात्मा राजा को रानी बहुला के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो पूर्णिमा के पूर्ण चंद्र की भांति कांतिमान था। उसके जन्म लेने पर समस्त प्रजा को महान आनंद हुआ। देवताओं की धुंधवियां बज उठी, आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। उसे देखकर मुनियों ने कहा, ये राजा उत्तम के वंश में और उत्तम समय में उत्पन्न हुआ है, अतः इसका प्रत्येक अंग उत्तम है, इसलिए यह औतम नाम से विख्यात होगा। इस प्रकार राजा उत्तम का पुत्र औतम नामक मनु हुआ। अब उसके प्रभाव का वर्णन सुनो। वो राजा उत्तम के उपाख्यान और औतम के जन्म की कथा प्रतिदिन सुनता है। उसके कभी किसी से द्वेष नहीं होता। इस चरित्र को सुनने और पढ़ने वाला कभी प्रिय पत्नी, पुत्र अथवा बंधुओं से वियोग नहीं होता।